हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मैगी के समोसे। तो मैगी के समोसे बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल और उसमें हम एक कप मैदा डालेंगे। मैदा जो है हमारा 250 ग्राम है और इसमें एक चम्मच अजवाइन लेंगे, अजवाइन को डालेंगे। अजवाइन को हम हाथों से क्रश कर लेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे और यहाँ पर एक चम्मच रिफाइंड डालेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पर आप देखेंगे कि मुट्ठी बनने लगी। अगर आपका यहाँ पर अच्छे से मिक्स ना हो तो इसमें एक चम्मच और तेल को डाल सकते हैं। आप तेल कोई सा भी डाल लें। और यहाँ पर फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर एक इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो हमारा ऐसा होना चाहिए ना कि बहुत ज़्यादा टाइट हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो। जैसा पराठों का रखते हैं इस तरीके से डो हमारा बनकर तैयार हो गया। तो इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको ढककर रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो गए हैं, डो हमारा अच्छे से तैयार हो गया है और यहाँ पर हमने मैगी को बना लिया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैगी में बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैगी को हम बिल्कुल सूखा सूखा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 मैगी को बनाकर रख लिया है। आपको मैगी जो है बिल्कुल सूखी बनानी है, मैगी में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने मैगी को साइड में रख दिया है। एक छोटा सा हम पेड़ा काट लेंगे और उसको हम अच्छे से बेल लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो मैदा रख कर आप रोटी बेल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बेलन में चिकना लगा लिया था और इस तरीके से हमने रोटी को बेल लिया है। तो यहाँ पर हम रोटी को 2 भाग में कट कर लेंगे और यहाँ पर हम बीच में सेंटर में यहाँ पर मैगी को रखेंगे और एक किनारा उठाकर दूसरे किनारे पर इस तरीके से चिपका देंगे। बीच में हम पानी को लगा लेंगे और इसी तरीके से ऊपर भी आप साइडों में इसके चारों तरफ पानी को लगा लीजिए और फिर हल्के हाथों से इसके किनारों को दबाती चले जाएँ। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है किनारा जो है अच्छे से बंद हो जाएगा। आप इस तरीके से दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा किनारा अच्छे से दब चुका है और ये बहुत अच्छे से हमारा समोसा बनकर तैयार हो गया। तो चलिए एक और समोसा बनाकर हम दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमने किनारों को आपस में जोड़ लिया है। यहाँ पर इसको अच्छे से चिपका लेंगे, पानी की मदद से चिपकाएँगे यहाँ पर हम, और फिर इसमें हम मैगी को भरेंगे। तो यहाँ पर हमने पहला तरीका आपको बताया, उस तरीके से आप रख कर भर लें या इस दूसरे वाले तरीके से आप इस मैगी को भर सकते हैं। तो यहाँ पर साइडों में पानी लगाएंगे और इसको एक सिरे से उठाकर हम दूसरे सिरे पर चिपकाते चले जाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी से और अच्छे से चिपक जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा दूसरा समोसा भी बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आप जो हैं बहुत अच्छे से इनके मुंह बंद कर लेंगे तो ये समोसे खुलेंगे नहीं, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर हम आपको देखिए इस तरीके से दिखा रहे हैं कि इस तरीके से हमने यहाँ पर अच्छे से इसको बंद किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छे से बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बनाकर तैयार कर लेंगे। और एक तरीका हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि अगर आपके किनारे अच्छे से ना बंद होते हों तो इस तरीके से आप इसमें एक फोक की मदद से इस तरीके से आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं और आपके ये किनारे भी खुलेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर लें, ये देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर हमने मैगी के समोसे बनाकर तैयार किए हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस तरीके से हमारे सभी समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक कप मैदे से इतने ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो गैस पर रखेंगे हम एक कढ़ाई और उसमें हम तेल डाल देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम इन समोसों को उसमें डालेंगे। और तेल को हम पहले अच्छे से हमें गर्म कर लेना है, फिर हमें इसे मीडियम कर लेना है, यानी बहुत ज़्यादा गरम तेल में इसको नहीं डालना है क्योंकि तेल अच्छे से गरम हो जाएगा। फिर हमें मीडियम में ही इसको सेकना है, यानी एक साइड से हो जाएंगे तभी इनको आप पलट लें। इसी तरीके से दोनों साइड उलट पलट कर आप इनको अच्छे से तल लें। तो ये दोनों तरफ से गोल्डन
से हो जाएंगे, जैसे समोसे मिलते हैं मार्केट में उसी तरीके से ये गोल्डन से हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है और हमारा समोसा भी बनकर तैयार हो गया, यानी तलकर तैयार हो गया है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने मैगी के समोसे बनाकर तैयार किए हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा बैच भी अपना डालेंगे और इसको भी हम तल लेंगे। तो यहाँ आपके चौड़ी कढ़ाई हो तो उसमें आप जो है ज़्यादा से भी तल सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमने गोल कढ़ाई थी, इस वजह से हमारे जितने इसमें आएंगे उतने ही हमने इसमें डाले हैं। यहाँ पर हमारे तीन तीन समोसे हमने करके तल लिए हैं। और अगर आपकी चौड़ी कढ़ाई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा समोसे बनकर तैयार होंगे, लेकिन उसमें तेल आपको बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा बैच भी तल कर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितने गोल्डन से बढ़िया से समोसे बनकर हमारे तैयार हैं। तो बिल्कुल ये मार्केट जैसे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर हमने सर्व की है टमाटो केचप के साथ में। और ये देखिए कितना बनाना आसान है। और यहाँ पर अगर आप इसको बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे तो आप अपने हाथ से ही अपने घर पर ही समोसे बनाकर खाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपको मार्केट में समोसे आलू के मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मैगी के समोसे बनाए हैं। तो मैगी के समोसे बनाने के लिए यहाँ पर हमको ना ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत है और ना ज़्यादा कोई भी लागत लगाने की ज़रूरत है। घर में रखे हुए सामान से ही आप फटाफट से ये समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको तोड़कर भी दिखाते हैं कि कितने बढ़िया से हमारे समोसे अंदर से भी अच्छे से और ख़स्ता से बनकर तैयार हुए हैं। तो इनको एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।